आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तू जो जाके बेबी फूफो को मेरी शिकायतें लगाती फिरती है, उसका क्या करूँगा मैं? जी मैंने अब ऐसा क्या कह दिया? न तूने जाके उनसे ये नहीं कहा कि मैं तुझसे काम करवाता हूँ? कुड़ी नूं पंजाबी आंदी है कि नहीं? हाँ, की फर्क पैंदा? की मतलब की फर्क पैंदा? हाय मैं अपने दिल दियां गल्लां किदे नाल करांगी? कोई 10-12 पंजाबी फिल्मों के नाम मैं तुम्हें व्हाट्सएप करता हूँ, अभी से शुरू कर दो। अच्छा तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि क्योंकि कल मेरा निकाह है तो आज पूरी रात बैठ के मैं पंजाबी फिल्में देखूं, ऐसा? ये क्या हुआ? अचानक से पानी आ गया। हाँ मैंने आप ही को बोला था, शायद उन्होंने मोटर चला दी हो। इस चक्कर में तो मैं गीली हो गई। I'm so sorry। नहीं जी, आपका क्या कसूर है? वो फूल लेने के चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला कब शावर खुला हुआ था। फूल? कौन सा फूल? वो कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। ये क्या हुआ? इब्बी की मदद करने गई थी, उल्टा अपना ही नुकसान कर लिया मैंने। सारे कपड़े गीले हो गए। अच्छा, इब्राहिम भाई की मदद हो रही थी? ज्यादा फालतू बातें नहीं कर रहे तुम। वो ना शावर में पानी नहीं आ रहा था, मैं तो बस उसकी मदद कर रही थी। बेचारे को तैयार होकर जाना था ना कहीं। बेचारा? तुम नहीं सुधरोगे ना? बेबी तू हंस क्यों रही? भाभी है ना, ऐसे लग रहा है ब्लड बैंक से ना 2 बोतलें खून पी के आई हूँ। वैसे इस गलते हंसना सी, तेरा तो नहीं ना पिता? अरे हिना जी, ये देखो कि कह कौन रहा है, ये मत देखो कि क्या कह रहा है। तुसी ना बड़े सोने लग रहे हो। चाची माँ जी, छेती कर लो, तुसी देर होगी, कॉलें आ रही है वहां से इतनी। हाँ तो क्या हमारी वजह से देर हो रही है? बाकी सब तैयार हो गए घर में? एक आधा कोई बंदा रह गया होगा, उन्हीं को देखने जा रहा हूँ ना मैं भी। तो जाके पहले उन्होंने कहना साडे वाल क्यों आ गए। क्योंकि इस घर में सबसे ज्यादा वक्त लगाती है आप, इसलिए आपको कहने आया हूँ। ठीक है, ले फिर, मैं नहीं जाना। मतलब मैं नहीं जाना की मतलब? पुत्र तू कल्ला चला जा, मैं नहीं जाना तेरा। माजी ये देखो मेरे हाथ। ठीक है, कोई नवी टेंशन मत खड़ी करो तुसी प्लीज। हाँ मैं तो हैगी टेंशन, टेंशन को खत्म कर, मैं नहीं चाह रहा तेरे नाल। आप बैठिए ना, साथ समझाएं थोड़ा सा इन्हें। इनको समझाना ना कैमल को ऑटो में ना बिठाने के इक्वल है अमर। यार एक तो आपकी अंग्रेजी नहीं मुक्ति, वह सारे इंतजार कर रहे हैं और आप कैमल रिक्शा, समझाएं उन्हें प्लीज। अच्छा लेट मी ट्राई। हे भाभी, लुकिंग वेरी प्रिटी, कम ऑन, बेटे की शादी है, मूड ऑफ ना करे प्लीज। ए बेबी, जब मेरा पुत्र मेरी इज्जत नहीं करता तो और किसे तो की इज्जत करावेगा मेरी? किसने कह दिया आपको कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता? बस तू चला जा, मैं तेरे नाल गल नहीं करनी बस। हां हाय, ए की रौला पाया है तुसी? तो देखे ने, मैंने कहा जल्दी तैयार हो जाए, मैं सारे इंतजार कर रहे हैं, कह रही है मैंने जाना ही नहीं है। क्यों है ना, की होया? अमन जी मैं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना तू? एहो जी मैं उस गल्ला क्यों करनी पई है? तेरे पुत्र दी खुशी है, घर नाल खुशी खुशी तैयार हो, खुशी खुशी निकलो करो।
ब्याह की है? है सिर मारी जा रही है, तू दस तो सही होया की है? इधर देख मेरे वाल देख, मैं सदके जावा, मां सदके जाए, उठ जा मेरी थी। ये तुसे कहंदे हो ना, फिर मैं चली चल। ओ मां सदके जाए, चल है है जा, बस मैं सारे अन पूछनी है, जा खुशी खुशी तैयार हो जा, उधर भी खुशी है। तुसे कहंदे तो मैं चल। ओ मेरी थी, चल छत्ती छत्ती कपड़े पा ले, चलो नहीं तुसी भी उठो, तू जा फटाफट तैयार हो जा। तू क्यों ऐसा सिर चुका के बैठी है, चल उठ उठ तैयार हो जा। अबा जान, लुकिंग वेरी नाइस यू आर। ठीक है कह गई, मैं तंग आ गया हूँ कि अंग्रेज से इनको कनाडा लेके बोल गया। मन मेरा पुत्र, तू ना गुस्सा कर, चल चल आ बाहर। अम्मा वैसे इनका सेटअप तो बहुत अच्छा है। बकवास बनकर वहीं सा लग रहा है मुझे तो सब कुछ। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ना प्यारा नहीं है, मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आमिर को जारा में पसंद क्या है। उसे लाख दर्जे प्यारी तो मेरी बच्ची है। ऐसे मत कहो। अच्छा जा जाके आईने में खुद को देख, उससे तो लाख दर्जे गोरी है तू। अच्छा एक बात पूछो। मैं जारा के पास जाऊं? हाय मेरी मासूम बच्ची की मासूम ख्वाहिश, अगर तू यहाँ से हिल गई ना तो तेरी टांगे तोड़ के यहीं पे गाड़ दूंगी। बैठी जा आराम से। जाने दो ना। एक दफा की बात समझ भी नहीं आती, कहानी नहीं जाएगी। ऐसा मेरा ख्याल है काफी टाइम हो गया, शुरू किया जाए। हाँ तो मौलवी साहब जल्दी करें, बस बिस्मिल्लाह करें मेरी तरफ से। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि टाइम बहुत हो गया है, मेरी तरफ से बिस्मिल्लाह है, बस कबूल है जी, खत्म करें कहानी। खुद तो आप चार चार घंटे लेट आ रहे हैं,
वक्त की पाबंदी की कोई अहमियत नहीं आपकी नजर में। मुझे कह रहे हैं आप जल्दी निकाह पढ़ा दो। नहीं पढ़वाता मैं निकाह। बुला ले किसी और को। खुदा दौड़ के फड़ के ले आए ना नु। एक ही होया हाथ हो गई। इश्क मोहब्बत मेरी मुसीबत कर दे मुश्किल यार, पर जब सच में हो जाए तो कर दे बेड़े पार मेरे यार तेरा जेवर ने बिल्कुल असली सोने दे अंबानी जेवर। जी
ये क्या कर रही है? आंटी जी आप क्लिपिंग नहीं कर रही हैं, हमारी शय में चीजें आपको पसंद नहीं आ रही। ए जी मेवे दा टोकरा है, और भी काफी सारे ने मिठाई भी थानू नजर आ रहे जी। अम्मी क्या कर रही हैं आप ये? सॉरी दिस इज सो एंबैरसिंग, लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। ये सब मेला लगाने से पहले हमसे पूछना तो था ना, अब बर्दाश्त करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मैं ये तमाशा रोकने जा रही हूँ बस। पागल हो गई हो, कहाँ जा रही हो? शुक्र पसंद आई है ना सारे। अम्मी फ्रेंड्स आई हुई है मेरी, शमशीर के ऑफिस के लोग आए हुए हैं, दोस्त आए हुए हैं, वो क्या सोचेंगे? अगर इन लोगों की अपनी कोई इज्जत नहीं है तो हमारी इज्जत तो है ना। शर्मीन अब निकाह हो चुका है, अब कोई नई टेंशन क्रिएट मत करो। क्या मतलब है आपका निकाह हो चुका है तो हम क्या ब्लैकमेल होंगे? शर्मीन बच्चों की तरह बिहेव मत करो। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप देखती रहे ये सर्कस और तालियां बजाती रहे, समझ गई? हाय जबरदस्त डब्बा डिग गया पिया है, अल्लाह माफ करे। अब हाँ ऐवे ऐ जी वेखो सारी असि बरी लेके आंदे, ऐ वेखो सारे वधिया हो गए है ना। मुबारक हो आपको। खैर मुबारक भाई, मुझे तो ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस तरह बरी के सामान की नुमाइश करना, क्या जरूरत है ये दिखावा करने की? आपको भी अच्छा नहीं लगा ना? हाँ वैसे अपनी जाती इस्तेमाल की चीजों की नुमाइश करना कुछ मुनासिब सी बात नहीं है। यही तो कह रही हूँ मैं। वैसे ठीक है आप क्या होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। अरे नहीं कहाँ ठीक है शर्मीन जी, हमारे यहाँ कहाँ होता है, खानदान में शादी करते हैं ना हम लोग, लड़का भी खानदान का लड़की भी खानदान की, तो सारी रस्म रिवाज पता होती हैं। भाई जब आप घर से बाहर रिश्ता जोड़ते हैं ना तो खानदान वालों से पूछना पड़ता है कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है, अब मुनासिब होता अगर पूछ ले तो। एक्सक्यूज मी मैं जरा मेहमानों को देख लूं। जी हाँ जी बेगम साहिबा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं बस ताज़ा हवा लेने आई थी। इससे आज का फंक्शन अच्छा रहा ना? हाँ यार मजा आया आज। बड़ा मजा आया, और डांस तो आप बड़ा अच्छा कर लेते हैं। ले, मैं तो हमेशा अच्छा डांस करता हूँ। हाँ मुझे तो दिखाया नहीं कभी। ना तुझे क्यों दिखाऊंगा मैं, ठीक है फैमिली का कोई ब्याह होता है तो बंदा थोड़ा जब पंगड़ा पा लेंदे। हाँ लेकिन बेगम को भी दिखाई देता है डांस। पहले मजाक कर रही थी, इससे आज आप खुश बड़े लग रहे थे। जाहिर सी बात है मेरे बेबी ब्रदर का ब्याह था, खुश नहीं होना था मैंने। चलो अच्छा ही है, कभी तो आप खुश हुए। ऐसे बेगम कदी गदार ना, तू कुछ पुठी गाली करनी है कसम। शुक्र है आपने कदी गदार बोला, मैं समझी आपको हमेशा ही मेरी बातें बकवास लगती है। वो क्या हुआ तुझे? वो क्या? इधर आ इधर आ, उबर इधर आके बैठ बैठ, आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ? इतनी अचानक चक्कर से आ गए? तो ख्याल भी तो नहीं ना रखती अपना, सारा दिन खोतों की तरह काम करती रहती, चक्कर तो आएंगी। मैं आप तो केयरिंग भी बड़े हो। अच्छा मुझे बता तुझे कोई दवा शवा कुछ आशा ला के दूं? नहीं नहीं बस ठीक है। रिटायर में ना कड़क सी चाय बना के लाता हूँ, तू आराम से बैठ यहाँ पे। अरे आप कहाँ बनाओगे? अरे आ रहा हूँ ना। हाय तो बड़े मूड में। वैसे एक बात है, अरेंजमेंट अगलों ने बड़े फिट किए थे, बाबा पैसा लगाया वाला। आहो ए गल ते है, वैसे नले गल सुन, नहीं तू अपनी अंगूठियां जरा संभाल के रखिया कर। पुत्र फराना नहीं उठी सो के? तो दादू जी रात को जरा तबीयत खराब हो गई थी उसकी, मैंने कहा तू रेस्ट कर ले तबीयत सेट हो जाएगी। आहो कहते तू ठीक रहे, कल बेचारी काम कर करके ना थक गई सी बहुत। अस्सलाम वालेकुम। दादो की दादो
ओए मैं कोई गलत गल कर रही हूँ? दादा जी चेक ते करो, अगले दा बूथा जेड़ा है गुले गुलजार दी तरह खिले होए है। हैं? मैं परली करवट करके सो गया सी तो वो रेड हो गए। हाँ बस बस रहन दे, मैनू ना दस तू। वैसे तुम्हारी सास को ना हमारा बरी दिखाना बहुत बुरा लगा है। मतलब? वो कह रही थी क्या जाहिलों की तरह सामान उठा उठा के दिखा रहे हो। वे? किससे कहा? मुझसे और किससे? तो तू की जवाब देता फिर। मैंने कहा ये हमारे रस्म रिवाज है, तरीका है, तो और ज्यादा भड़क गई, कहने लगी कि तुम लोगों क्या होता होगा, हमें ये सब तमाशे पसंद नहीं है। और करो खानदान से बाहर शादी, दूसरे खानदान के लोग लिहाज थोड़ी करते हैं। सादिया देखिया कितनी लंबी जबान है थी, किस तरह तर तर बोल के गई है। क्यों ना करे बेचारी, करदे ने तमाशे लाए ने, क्यों असी बंदर ने चांदे रहे हैं। बस कर, बहुता साथ ना दिया कर, सब कुछ जाननी है तू भाई। जिथे मेरे पुत्र दी पसंद सी बंदे ने उथे ही ब्याह करना ना उहदा। तू भी जिधर पानी देखनी है ना उधर नु वग जानी है। आहो मेरी वजह नाल ते सलाब आया, ताडे वर्गियां पिछे अजाब आंदे। एक तो मुझे अंडरस्टैंड नहीं होता, ये गधे घोड़ों की तरह काम करोगी तो थक कर बीमार हो जाओगी ना। मम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ। लेटी रहो, हम अगर उठ के सिट डाउन किया तो। मम्मी आप क्यों परेशान हो रही हो? अच्छा परेशान भी ना हो, वन एंड ओनली पीस ऑफ चांद, देखो क्या हाल बना लिया है। पर मुझे मालूम है मेरी बेटी इतने लिहाज वाली है, इतनी कर्टसी वाली है, किसी को कुछ नहीं बोलेगी। और वो तो दो डैने हिना और सादिया मेरी बेटी को नौकरानी बना के रखेंगी। क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही है, किसी ने सुन लिया ना तो उनको बुरा लग जाएगा। मेरी जुत्ती नो फर्क पैंदा है, अपनी हरकतें ठीक करें ना, रखे वो काम करने वाली मेड। मम्मी स्टॉप इट, बी क्वाइट। अम्मा जान से मैं आज बात करूंगी, अपनी बहू को समझाए। या अल्लाह कितने फंस गई हूं मैं। जा राम ना राम ना। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ यार, बल्कि कुछ भी ठीक नहीं है, और जैसे कुछ ठीक होने लगता है ना सब खराब हो जाता है। क्यों अब क्या हो गया? क्या होना है, तुम्हारी अम्मी ने बरी का सामान दिखाने पर नाराजगी का इजहार किया है और कहा है कि ये क्या जाहिलाना हरकत है। व्हाट? और कहा भी किससे है? सादिया चची से। नहीं तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आमिर नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही, ठीक है? सबके सामने अभी सादिया चची ने कही है। वैसे आंटी को बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्या बोल रही है, किसके सामने बोल रही है। आमिर प्लीज, जब तक तुम्हें पूरी बात बताना चल जाए तब तक तुम मेरी मम्मा के लिए स्टोर में बात नहीं करोगे, समझ आई? मेरी बात समझने के बजाय मुझसे ही लड़ रही। क्योंकि तुम्हें पूरी बात जाने बगैर हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरी मम्मा के बारे में कुछ भी बोलो और स्टोर में भी बात करो, क्योंकि पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। हालात भी तो पहले जैसे नहीं रहे ना। शायद रुखसती के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। किसी खुशफहमी में मत रहना, मेरे घर वाले बहुत मुश्किल हो गए।
अच्छा देखो, जब वास्ता पड़ेगा तब देखा जाएगा। अभी जाके मैं मामा से पूछती हूँ कि सारा माजरा क्या है, हुआ क्या है। ठीक है, फिर मुझे बताओ। या ओके, आई विल गेट बैक टू यू। आई लव। ओके। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया अम्मी? वो लोग तो खुद इस रस्म को बुरा समझ रहे थे, तो तुम्हें उसकी ताईद करने की क्या जरूरत? मैंने कोई ताईद नहीं की। सोच लो, हो सकता है कि हो। उस वक्त तुम गुस्से में थी और मैंने देखा था खुद। हाँ मैं गुस्से में जरूर थी, लेकिन पागल नहीं हुई थी। मुझे पता है किससे क्या बात करनी है। वो जो आमिर की चची है ना, वो थोड़ी सी इस टाइप की है। बेटा वो सब औरतें इसी टाइप की हैं। ये तो शुरुआत है, अल्लाह रहम करे, देखो आगे क्या होता है। उसकी बात सुन लो ना, देखो वो क्या कह रही है। मामा आमिर खुद भी यही कहता है कि वो जो उसकी चची है ना, उनके सामने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा लिहाज करना पड़ता है। वो ना छोटी सी बात का भी ना बड़ा सा पतंगड़ बना देती हैं। अच्छा तो अब मुझे उन औरतों के सामने सोच समझ कर बात करनी पड़ेगी, है ना, कि कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए, कोई बदकलामी ना हो जाए। मामा मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तुमने ऐसे ही कहा है। माजी बुलाया मैनू? हाँ जी, मैनू ऐ दस कि तेरी सास नू आखिर मसला की है। माजी मैं गल कीती है जारा नाल। ना जारा नाल गल करन दी कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपनी सास नाल गल कर। हुन तेरा निकाह हो गया, उन्हां नू जरा दबा के रख। दबाने की क्या जरूरत है, किसी को क्यों दबाए हम? वो दबावांगे, असि मुंडे वाले हां। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस मसले को आराम से हल करते हैं। उन्होंने अगर कहा है ना तो बात करते हैं, समझाते हैं उन्हें। हाय ओ मेरे रब्बा, जिस गल दा डर सी ना ओही हो गया। निकाह हुंदे नाल ही ना मुंडा सौरिया थल्ले लग गया। क्यों जी गल कर रहे हो तुसी? और ये बात भी तो जरूरी नहीं है ना कि उन्होंने वही बात की हो जो चाची कह रही है। की मतलब है, मेरी भैन झूठ बोल रही है? मेरा ये मतलब नहीं था, मैं कह रहा हूँ कि गलत फहमी भी एक चीज होती है। इसका फोन आ। हेलो। हेलो आमिर, वो ना मेरी अभी मामा से बात हुई, वो कह रही है कि उन्होंने तो ऐसी कोई बात कही ही नहीं। फिर क्या, नाराज हो रही थी कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। वो ना नानू कह रही थी कि अगर तुम प्लीज घर आ जाओ, अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल हो तो हम यहीं पे बैठ के सारी बातें कर लेंगे, सब कुछ सामने बैठ के सॉर्ट भी हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। आ रहे हैं। क्या करूँ मैं? मेरी माँ को समझाना बहुत मुश्किल। फोन कितने चला है? ज़ारा के घर। क्यों? उसकी अम्मी कह रही है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा और वो भी नाराज हो गई हैं अब। वाह जी वाह, तेनू ते बड़ी फिकर है उदी माँ दी। ते जेड़ी तेरी खाला नु झूठा कह रहे ने। खाला बड़ी सच्ची, बड़ी मोमन। की क्या? कुछ नहीं, जावा हुन। नहीं, मैं भी तेरे नाल जावा। वजह? वजह है कि मैं तेरी माँ, मेरी भी कोई अहमियत है। ठीक है, चलो फिर। ठहर जा, मैं बैग लेके आनी मैचिंग। आ जाओ। मामा सब ठीक हो जाएगा, मैंने आमिर को कॉल कर दिया, वो आ जाएगा, आप फिकर ना करें। हाँ भाई, तुम्हारे पास तो बस एक जुमला है, आप फिकर मत करें। और सबसे मुश्किल काम मेरे लिए ना फिकर ना करना है, समझी? शर्मीन तुम जरूरत से ज्यादा परेशान होती हो।
आमिर समझदार लड़का है, वो सब संभाल लेगा। लो माशाल्लाह, बड़ी उम्र है। सलाम अलैकुम। आओ बेटा। सलाम अलैकुम। और बेटा कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? तो मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारी चची ने क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? मैंने तो कोई ऐसी गलत बात नहीं कही जिसका वो गलत मतलब निकाल रही है। ठीक है मुझे ये बरी की नुमाइश करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था, मुझसे पूछे बगैर उन्होंने ऐसा क्यों किया? हुनते अपने कन्नी सुन लिया ना, कौन हो गई तसल्ली तेरी? बैठे तो सही आप। नहीं जी, बहुत मेहरबानी थोड़ी, थोड़े अजीब रिवाज है, पहले बेइज्जती कर दियो, जलील कर दियो, ते फिर कहंदे हो आ जाओ बैठ जाओ, खुदा हाफिज। माजी मेरी गलत, माजी माजी। आंटी जी वो तुम्हें क्या जरूरत थी बोलने की? हद होती है। तौबा भाई तौबा, किड्डे सियाने लोग ने, तौबा तौबा। माजी माजी मेरी गल तो सुन। की तकलीफ है तेनू? अंदर चल ले यार, तुसी अंदर चलो, अंदर चल की बात करनी। मैं कोई गल नहीं करनी, तू मैनू गड्डी दी चाबी फड़ा, मैं जाके गड्डी च बैठा। आप तो बिल्कुल नाराज हो गई, शर्मिन तो वो मतलब नहीं था जो आप समझ रही हैं। वाह जी वाह, तुहाडे की कहने, पहले बंदे नू जलील कर दियो फिर कहंदे उसका मतलब ये नहीं था। चलें अगर आपकी दिल आजारी हुई है तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, आप प्लीज अंदर चलें। देखें अब तो बच्चों का निकाह भी हो चुका है। ऐ गल ते तुहानू सोचनी चाहिदी सी ना, असी मुंडे वाले आ, मुंडे वालियां नू सिर अखां ते चुके रखीदा है, ते तुहाडे ते हर चीज ही पुठी है। माजी अंदर ते चलो प्लीज। और मैं नहीं जाना अंदर। बच्चों की खातिर जल्दी चलें ना। एक कुड़ी क्यों चुप करके खलोती है? ऐ मैनू क्यों नहीं कहंदी कि अंदर चलें? कुड़ी क्यों नहीं कहंदी? सॉरी से सॉरी। आंटी जी आई एम सो सॉरी, प्लीज अंदर चलिए। वे तू तो कहंदा सी इहनू पंजाबी बोलनी आंदी है। कुड़ी से सॉरी इन पंजाबी प्लीज। हाँ आई रिमेम्बर, याद है मुझे। आंटी जी सानू माफ करो, गुस्सा छड्डो ते तुसी अंदर चलो। बोलन दी है क्या बात है, बहुत अच्छा बोली। आओ बाजी अंदर आओ, अंदर आओ। वो दरअसल पहले मैंने कभी ये रस्में देखी नहीं थी ना, इसलिए। लेकिन वैसे मैंने आपकी बहन से कोई ऐसी गलत बात नहीं की जिसका उन्होंने गलत तासुर ले लिया। चलो जी मान लिया नहीं किया तुसी, लेकिन ए जेड़ा कुछ मेरे सामने होया ए दे तो तुसी इनकार नहीं कर सकते ना। उसने गुस्से में बोल दिया था, कभी कभी इंसान की अकल काम नहीं करती। चलो अम्मा जी मान लेने हैं तुहाडी गल, पर जज्बात ते जेड़ा गुस्सा है ना, इन कुड़ी दे सहुरियां दे सामने जरा काबू च रखना चाहिए। असी तो शरीफ लोग हाँ, असी कुछ नहीं किया। कोई एवं छवे लोग होंगे ना, बड़ा रौला पाना सी उन्होंने, दस दिया मैं तुहानू। पर ठीक है ठीक, सादा चाय नहीं लाई है, जाकर देखो। मैं देखती हूँ, मैं अभी लाई। देख की हाल बना ले, ज्यादा तबीयत खराब है ते मैं डॉक्टर को ले जावा? नानू जी मैं ठीक हूँ, बस सर में हल्का सा दर्द था और चक्कर आ गया था। आप देखे ना मम्मी को, बिला वजह ही परेशान हो रही हैं। जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसे ही करोगी, वन वीक तक आराम करोगी। हाँ है, घर में शादी चल रही है, कैसे वन वीक आराम करूँ? और लोकी भी हैं इस घर में काम करने के लिए, उनको जरा चांस देना जरा कम करने का। आहो ठीक कहंदी पई है, उन भी तसल्ली हो जाएगी अगर ओदा कहना सुन लेंगी ते। नानू जी देखे ना, जारा ने आज रुखसत होके घर में आ जाना है, शादी के कितने काम पड़े, और मम्मी है कि मुझे कमरे से बाहर ही नहीं जाने दे रही। बस मैं कह रही हूँ इस रूम से आउटसाइड नहीं होना,
इधर से ही तैयार होके जाने शादी पे। अच्छा मम्मी आप मेरी बात सुनो, देखो शादी खत्म हो जानी है ना तो मैं पूरा 1 वीक आराम करूंगी, प्रॉमिस। तेरे नाल बहस कीती ना इधर पोले करके ना मैं तेनू मारना है। नी चुप कर नी, जाली अंग्रेजनी आउन निकली है ना पंजाबने दे अंदरो। हम जान स्टॉप इट, मेरा मून मेरा स्टार। अच्छा बस कर दे, चौं चौं ना कर बहुती। मून स्टार जी, पानी आ रहा है वॉशरूम में। पानी? इस वाले वॉशरूम के शावर में ना पानी नहीं आता, इसलिए पूछ रही हूँ। ओह हाँ पानी, पता नहीं मैंने चेक नहीं किया। तो जी फिर चेक कर लें। ठीक है, लेकिन तुम्हें अचानक पानी का ख्याल कहाँ से आ गया? वो आपको शादी में जाने के लिए तैयार होना होगा ना, इसलिए मैंने सोचा पूछ लूं। Nice of you, Sanya, लेकिन मैंने भी चेक नहीं किया, चेक करके बता दूंगा तुम्हें। अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ब्लैक सूट के साथ शर्ट कौन सी पहनूं। काला सूट तो आप पर बहुत अच्छा लगेगा। या थैंक यू। वेलकम। तो ठीक है जाओ अब। आज मेरी बच्ची क्या पहनेगी शादी में? मैं ना सोच रही हूँ अम्मा कि आज ना काले रंग का जोड़ा पहनूं मैं। पागल तो नहीं हो गई है तू? वो जो नया जोड़ा खरीद के लाई हो कौन पहनेगा? मुझे नहीं पता, मुझे काले रंग का ही जोड़ा पहनना है। इतना छोटा दिमाग है ना तेरा, जब तुझे काला जोड़ा पहनना था तो हरा क्यों खरीद के लाई शॉपिंग पे? ओ अम्मा उस वक्त तो मुझे हरा ही पसंद आ रहा था, लेकिन अब मेरा ना काले का दिल कर रहा है, काले ही पहनूंगी मैं। अब क्या मसला है? अब मसला ये है मेरी प्यारी सी अम्मा कि कुछ भी कर कर मैं काला जोड़ा ही पहनूंगी आज। नहीं तेरे दिमाग पे काले जोड़े का भूत कहाँ से सवार हो गया? नहीं मैं पूछती हूँ कि तुझे पहनना क्यों है शादी में काला सोक का जोड़ा? आप ही तो मुझसे कहती हो काला रंग मुझ पर अच्छा लगता है। हाँ कहती तो हूँ, जो तेरे दिल में आए ना वो कर, लेकिन ऐन मौके पे ऐसे अचानक से अपने प्लान मत बदला कर बैठ के। मेरी प्यारी दिले चल रही है ना तेरे बाप की काला जोड़ा पहने की। मैं ये सोच रहा हूँ कि ब्लैक सूट के साथ शर्ट कौन सी पहनूं।